गुर्रेश शेख, कैसे हैं आप? जी बस ठीक हूँ, आप कैसे? मैं बिल्कुल ठीक हूँ गुर्रेश जी, लेकिन बस इस पूरे देश में जो है चल रहा है सब कुछ भला चंगा, ऑल इज वेल। एक खुशखबरी आपको देनी थी सर, इजाजत हो तो। इजाजत है गुर्रेश जी? एक देश में बहुत बड़ी खुशखबरी आई है, हमने 24 साल का महंगाई का आंकड़ा तोड़ दिया है। 24 साल का आंकड़ा तोड़ दिया है महंगाई का। मुबारक हो सर आपको, मुबारक कबूल है। नहीं, ये जो बात बोल रहे हो ना आप, वो सरकास्टिक वे में बोल रहे हैं, तो इसका जवाब क्या दूंगा मैं आपको? पॉलिटिकल प्रश्नों का तो उसका जवाब दूंगा। अच्छा पॉलिटिकल, तो ये आपको खबर पता चली? वैसे तो मेरे देशवासियों को पता नहीं खबर पता चली कि नहीं पता चली कि हमने 30 साल 24 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया महंगाई में। आपको पता चली ये खबर? ये WPI का इंडेक्स मालूम है? अभी जो होलसेल इन्फ्लेशन चल रहा है वो ऑल टाइम हाई जा रहा है, ये बात सच है। लेकिन आप आधी बात बता रहे हैं, आप होलसेल इन्फ्लेशन की बात कर रहे हैं, आप रिटेल इन्फ्लेशन की बात नहीं कर रहे। नहीं, रिटेल मैं सारी इन्फ्लेशन इन्फ्लेशन की बात 7.4 करूंगा, मैं तो रामलाल और रजाक, रामू शामू उनकी बात करूंगा। ये मेरे को इन्फ्लेशन अप डाउन ये सब कुछ, वो बेचारे उनको क्या मालूम है जो पेट्रोल डलवाने जाते हैं इन्फ्लेशन क्या है। सब समझते हैं, नहीं, सब नहीं और आज समझते, सब सेवन पॉइंट समझते सेवन नाइन था वो। ये चंद्रेश कुमार जी की पार्टी जब हुआ करती थी नहीं तब नहीं ये नहीं, 12% नहीं सब था। समझते, तो 2014 से पहले ये नारे थोड़ी ना होते कि पेट्रोल इतने पार हम कर देंगे 35 हैं, महंगाई नहीं, पहले इतनी। मैं नहीं अब बोला, ये मुद्दे पे आता हूँ, मुद्दे पे आता हूँ। ये आप मुझे समझा रहे हैं कि रशिया और यूक्रेन में युद्ध चल रहा है जिस वजह से ये हालात बने हुए हैं, आई एम राइट? नहीं मल्टीपल रीजन से, जैसे जैसे कि प्लीज कि थोड़ा कोविड सा, के बाद हाँ थोड़ा जीडीपी सा बढ़ना। आवाज उठा लीजिएगा सर, हमारे यहाँ वो व्यवस्था नहीं है कि वो, क्योंकि हम हिंदू मुसलमान वाली डिबेट करवाते नहीं है जिस वजह से वो साउंड में थोड़ी सी दिक्कत आ जाती है, वरना तो उस समय तो पूरा जोश होता है स्टूडियो में, इसको तोड़ दो उसको तोड़ दो टेबल तोड़ दो है, हम करवाते नहीं है, तो इसलिए महंगाई पर थोड़ा सा आपको ऊंचा बोलना पड़ेगा सर। नहीं वैसे मैं महंगाई और इसी मुद्दों की डिबेट पर ही ज्यादा जाता हूँ, मैं आपने जो आपको देखा इसीलिए होगा। तो आमंत्रित करता हूँ गुरेश जी, है ना, इसीलिए आमंत्रित करता हूँ मल्टीपल जी। प्लीज कंटिन्यू। कारण हैं, एक सबसे बड़ा कारण जरूर ही, इमीडिएट कारण जरूर है रशिया यूक्रेन की वॉर, लेकिन उसके अलावा भी दूसरे कारण है। जैसे 2 साल तक लगभग इकोनॉमी डाउन थी कोविड-19 के कारण, उसके बाद जिस प्रकार से जीडीपी ने रफ्तार पकड़ी और आज हम दुनिया के सबसे तेज बढ़ती अर्थव्यवस्था है। तो जब आपकी जीडीपी बढ़ती है, जब आपके जिसको फिलिप्स कर्व बोलते हैं वो आगे जाता है, तो जब फिलिप्स कर्व आगे होता है तो उसमें साथ साथ इन्फ्लेशन भी होता है, वो भी एक कारण है। लेकिन जी इसका मतलब ये नहीं है उसको कंट्रोल नहीं करना, उसको कंट्रोल करना है, लेकिन देश की जीडीपी की रफ्तार पकड़ना और देश में आर्थिक स्थितियों का वापस से तेजी से पहिया दौड़ना, ये भी एक कारण, बड़ा कारण है अलोंग विद रशिया यूक्रेन वॉर। लेकिन वो अच्छा कारण है कि देश की जीडीपी बढ़ रही है, देश में जो अच्छा, इकोनॉमिक तो गतिविधि वो चल रही है, वो अच्छा कारण है। अब उसके अच्छा, साथ देश में की सॉफ्ट जीडीपी फाइव बढ़ बाय रही है फाइव जरूर आता है। और आम जनता का तेल निकल रहा है ना, ये अच्छे लक्षण है। नहीं अब देखिए, अब आप मुझे बोलेंगे कि फिर आप थ्योरेटिकल बात करते हैं। अब चंद्रेश जी बताते हैं कि वो ऑनर्स हैं, उनको उन्होंने ऑनर्स किया है इकोनॉमिक्स में, तो वो जानते होंगे कि फिलिप्स कर्व कैसा जाता है। और फिलिप्स कर्व की परिभाषा ही यही होती है कि इन्फ्लेशन का बढ़ना जीडीपी के साथ, अगर इन्फ्लेशन बढ़ रहा है तो वो रोजगार जनरेट करता है अच्छा, और और ये उसके फिर रिवर्स पेट्रोल होता है डीजल, तो अच्छा इनकम मुझे भी जनरेट होता है। सीधा सा लॉजिक बताइए, ये पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने से महंगाई बढ़ती है या कम होती है? नहीं वो तो डेफिनेटली बढ़ती है ना, वो बढ़ती तो है, कॉस्ट पुट इन्फ्लेशन जो है वो तो सबसे बड़ा उसका फैक्टर है, पेट्रोल डीजल तो की फिर महंगाई। पेट्रोल डीजल को लेकर आपकी सरकार कोई फैसला क्यों नहीं ले रही है? बिल्कुल सब फैसला कर रही है, सब देख भी रहे हैं फैसला कर रही है। हम 1% इम्पोर्ट करते थे रशिया से, लेकिन रशिया क्योंकि अभी लगभग लगभग $70 प्रति बैरल के रेट पर देना चाह रहा है हमको तेल, तो आज हमारा फोर्थ सबसे बड़ा सप्लायर बना है। अब जो आने के बाद रिफाइन होना और सब आप तो चीजें मुझे होती हैं ऐसा समझा रहे हैं जैसे हमारे देश में जो पेट्रोल कंपनियां वो घाटे में पेट्रोल दे रही हैं। जी आप मुझे ऐसा समझा रहे हैं कि जैसे हम बहुत महंगा तेल खरीद रहे हैं और हमारी पेट्रोल कंपनियां घाटे में हैं और वो बहुत घाटा झेल कर जो है वो पेट्रोल डीजल दे रही हैं हमें।
नहीं वैसा नहीं है, उन जो पेट्रोल की कंपनियां हैं उनको भी सरवाइव करने का अधिकार है, उनको भी जिंदा रहने का अधिकार है। नहीं, तो जिंदा रहना ठीक है, मैं लेकिन आपको ऐसा लग रहा है कि पेट्रोल कंपनियां जो हैं वो घाटा झेल कर पेट्रोल डीजल हमें दे रही हैं? नहीं, अगर घाटा झेलती होती चली नहीं पाती। हम जो है हम पूंजीवादी व्यवस्था में रहते हैं, ओपन मार्केट इकोनॉमी में जीते हैं, अगर घाटा झेलती होती तो बंद हो जाती। अच्छा, तो आपको लगता है कि तो हो जाना चाहिए, यदि हम ओपन मार्केट इकोनॉमी की बात करते हैं तो घाटा झेलने के साथ बंद हो जाना चाहिए। हाँ, नहीं नहीं, आप बता रहे थे ना कि तेल कंपनियों को घाटा हो रहा है जिस वजह से हम नहीं, मैंने ये नहीं कहा, मैंने ये कहा कि आपने पूछा कि भारत सरकार क्या कर रही है, तो भारत सरकार ये कर रही है कि दुनिया भर के पूरे पश्चिमी जगत के प्रेशर के उपरांत भी हम रशिया से ऑयल इंपोर्ट कर रहे हैं। रशिया से अभी तक 1% अपना माल लेते थे, अब वो फोर्थ लार्जेस्ट सप्लायर बना दिया है हमने उसको, इसीलिए कि हमारे लोगों के ऊपर ज्यादा बोझ नहीं आए। मैं एक ट्वीट से इस चर्चा को आगे बढ़ाना चाहूंगा और मैं अपने सहयोगी से चाहूंगा, एक ट्वीट है, पहले वो ट्वीट हम दिखाएंगे और फिर उसके बाद, क्योंकि मैंने पेट्रोल डीजल वाला जो किस्सा है, अब जो मैं आंकड़ा लेकर आने वाला हूँ उसे देखकर आप हैरान परेशान भी हो सकते हैं। मतलब आपकी बात नहीं कर रहा गुरेश भाई, मैं देशवासियों की बात कर रहा हूँ। मैं भी देशवासी हूँ भाई। नहीं नहीं, आप सरकार हैं, सरकार हैं इस वक्त, इसलिए मैं आंकड़ा लेकर आने वाला हूँ, वो आंकड़े को आप ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। लेकिन उससे पहले मैं एक ट्वीट दिखाऊंगा। मैंने ये जिक्र क्यों किया पेट्रोल डीजल वाला, वो ट्वीट प्लीज प्ले करेंगे और ट्वीट को ये ध्यान से देखिए। महंगा हो सकता है पेट्रोल डीजल क्योंकि तेल कंपनियों ने सरकार को पत्र लिखकर कीमतें बढ़ाने की मांग की। क्या लिखा इस पत्र में सरकार को तेल कंपनियों ने? हमें पेट्रोल पर 10 रुपए लीटर और डीजल पर 25 रुपए लीटर का घाटा हो रहा है तेल कंपनियां। गुरेश, क्या ये सही खबर है या गलत? नहीं, मुझे नहीं पता, लेकिन हो सकता है कि चूंकि जब भी ये रशिया का और यूक्रेन का जंग हुआ तब दुनिया भर के देशों में 50% तक के कॉस्ट शूट अप हुई थी तेल की, भारत में नहीं हुई, तो हो सकता है कि घाटा हुआ हो, लेकिन घाटा लंबे समय तक कोई कंपनी झेल नहीं सकती। या तो हो सकता है कि भारत सरकार जो है वो जो सस्ता तेल मिल रहा है रशिया से, सरकार ने यही बताया ना कि तेल कंपनियां घाटे में है, आप जैसे प्रवक्ताओं ने यही समझाया कि तेल कंपनियां घाटे में जिस वजह से ये दाम बढ़ रहे हैं लगातार, क्योंकि हमें महंगाई झेलनी पड़ रही है इस वजह से। यही वजह कह रहा हूँ कि ग्लोबली जो 50% के आसपास जो इजाफा हुआ तेल की कीमतों में इंक्लूडिंग यूनाइटेड स्टेट्स में, वैसा हाँ। हिंदुस्तान में हमने नहीं देखा, तो हो सकता है कि इनको नुकसान हुआ हो, लेकिन मुझे लगता है क्योंकि कोई भी कंपनी ज्यादा दिन नुकसान में नहीं चल सकती, तो जो रशिया से तेल आएगा हो सकता है इनको नुकसान हुआ हो जिस वजह से पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाए गए। अब मैं एक आंकड़ा रखता हूं, इस आंकड़े को हिंदुस्तानी जितने भी हैं देशवासी हैं उनको ध्यान से देखना चाहिए। सबसे पहला आंकड़ा कमाई का आंकड़ा है इंडियन ऑयल का। मैं ये क्यों कह रहा हूं कि हमारा तेल निकल रहा है और तेल कंपनियां मालामाल हो रही हैं। गुर्रे शेख, ध्यान से देखिएगा, फुल स्क्रीन लेकर आइए पहला आंकड़ा। पहला आंकड़ा आपके सामने, जनता बेहाल, ऑयल कंपनी मालामाल, इंडियन ऑयल की तिमाही कमाई का आंकड़ा आपके सामने, यानी कि 3 महीने की कमाई का आंकड़ा है आपके सामने ये स्क्रीन पर, 6,21,188 करोड़ रुपया, 6,21,188 करोड़ रुपया। और इस साल इंडियन ऑयल को कमाई कितनी होती है? ये कमाई होती है 2,484 करोड़ रुपए। ये 3 महीने का आंकड़ा मैंने आपके सामने रखा इंडियन ऑयल का। दावा यह किया जा रहा था कि तेल कंपनियां घाटे में हैं, हमें घाटा झेलते हुए ये तेल कंपनियां जो हैं वो हमें तेल उपलब्ध करवाती हैं, लेकिन हकीकत कुछ और है। हकीकत यह है कि 3 महीने की कमाई इंडियन ऑयल की है जो आपके सामने 6,21,188 करोड़ रुपए, और इस साल इंडियन ऑयल ने कमाया 2,484 करोड़ रुपया। गुर्रे शेख, तेल कंपनियां तो तेल निकाल रही हैं,
आप कह रहे कि ये घाटा झेल रही है, चक्कर क्या है? प्रश्न है, मेरा एक प्रश्न है कि ये जो आंकड़ा दिखाया जा रहा है ये इंक्लूडिंग टैक्स है कि एक्सक्लूडिंग टैक्स है? सर ये शुद्ध मुनाफा है, शुद्ध मुनाफा कंपनी बता रही है, शुद्ध मुनाफा है। प्लीज कंटिन्यू। तो अच्छी बात है, डिविडेंड ने इन्होंने अच्छा बांटा होगा मार्केट में। अच्छा, ये अच्छी बात है कि तेल कंपनियां हमारा तेल निकाल रही हैं, और आप कह रहे हो कि भैया ये तो बहुत अच्छी बात है कि तेल कंपनियां मुनाफे में है। देखिए तेल कंपनियां, मुझे जो इस आंकड़े में संदेह सबसे बड़ा है ना, कि मुझे लगता है कि ये शुद्ध जो कमाई का नहीं होगा वो तो एक बात ने कह दी डिविडेंड वाली, लेकिन मुझे लगता है कि इसमें से अभी टैक्स बाकी होगा, ये टैक्स इंक्लूडिंग टैक्स होगा, टैक्स तो जो होगा शुद्ध मुनाफा है। मैं आपके सामने रख रहा हूँ, ये शुद्ध मुनाफा है। इसका एक और उदाहरण मैं आपके सामने रख सकता हूँ आप चाहें तो, लेकिन मैं आपकी बात आने देना चाह रहा हूँ, प्लीज। तो हो सकता है कि इसके अंदर टैक्स बाकी होगा अभी। अच्छा, तो एक और आंकड़ा मैं आपके सामने रखता हूं अगर आपकी इजाजत हो तो, एक और आंकड़ा। वैसे जी 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 प्लीज जी प्लीज, मैं माफी चाहूंगा क्योंकि मेरे को वाली डिबेट आती नहीं है, तो मैं इसलिए ऐसे ही आंकड़े लेकर आता हूं। ये आंकड़ा आपके सामने, कैसे तेल कंपनियों ने रिकॉर्ड कमाई की है, इंडियन ऑयल का 24,000 करोड़ का मुनाफा कैसे हुआ, यह आंकड़ा आपके सामने है। 2021-22 में 24,000 करोड़ से ज्यादा की कमाई की गई, लेकिन जब कोरोना काल का जिक्र जी गुरेश कुछ कहना चाह रहे हैं आप? देखिए जो मैं इस पर देख पा रहा हूँ कि 19-20 में ये आंकड़ा बिल्कुल कम हो गया था, बिल्कुल सर के बल मैं उसी पर आ रहा हूँ। तो उसके बाद जिस प्रकार से इंडस्ट्री खुली, जिस प्रकार से ट्रांसपोर्ट हुआ, तो ये उसमें डेफिनेटली इजाफा होना है, कमाई में भी विस्तार होना है, उनकी सेल बढ़ी है तो कमाई भी बढ़ेगी। और हिंदुस्तान ने इस समय में, ये मत भूलिए आप कि पिछले कुछ महीनों में तो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का एक्सपोर्ट भी खूब किया है रिफाइन करके, तो यही कंपनियां थी जिन्होंने एक्सपोर्ट भी किया। मैं आपकी पूरी बात नहीं आ पा रही। हाँ, आप बोलिए क्या कह रहे हैं आप? ये 2019-20 के कुछ आंकड़ों पर मैं प्रकाश डालना चाहता हूँ। 19-20 का जो आंकड़ा है वो यदि पूरे ग्राफ को देखें तो ऐसा लगता है कि ये बीच का एक साल जो है ये औंधे मुंह गिरी कंपनियां प्रॉफिट मैं आपको मार्जिन। ये आंकड़ा ध्यान से देखिएगा, 2021-22 का आंकड़ा जो मैंने 24,000 करोड़ के मुनाफे का जिक्र किया, आप ध्यान से स्लैब देखिए, स्लैब देखिए, मैं आपको करेक्ट कर देता हूं। मैं आप ये कह रहे हैं ना शुद्ध मुनाफा नहीं है, ये शुद्ध मुनाफे के तहत ये निकाला गया आंकड़ा है जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। 2020-21 में 21,000 करोड़ से ज्यादा का मुनाफा होता है तेल कंपनी इंडियन ऑयल को। इसके बाद 2019-20 का आंकड़ा जिसका जिक्र आपने किया कि कोरोना काल था, कंपनी को कितना मुनाफा हुआ वो आपके सामने है, 1,313 करोड़ का। 2018-19 16,000 करोड़ से ज्यादा का मुनाफा होता है, और 2017-18 में 21,000 करोड़ से ज्यादा का मुनाफा होता है। यानी कि इस साल 2021-22 में कंपनी को 24,000 करोड़ से ज्यादा का मुनाफा होता है। ये कंपनियां जो कह रही हैं, जिसका मैंने आपके सामने उदाहरण दिया कि भैया हम पेट्रोल डीजल पर 10 रुपए से लेकर 25 रुपए लीटर तक घाटा खा रहे हैं, तेल के रेट बढ़ाने हैं, और वो तेल कंपनियां मुनाफे में, आप कह रहे कि घाटे में, ये समझ में नहीं आया सर। नहीं, ये आंकड़ा अगर आप प्योर स्टैटिस्टिकली देखें इसको तो ये बहुत अच्छा आंकड़ा दिखेगा, जिसमें आपको अगर 17, 18, 18, 19 से लेकर अभी तक आए तो आपको ये दिखेगा कि ये वी शेप रिकवरी हुई है। ये था हमारा 17, 18, ये था 18, 19। जनता की वी शेप क्यों बना रहे हैं आप? हम वही बात कहते हैं ना, पेट्रोल डीजल आपको रिकॉर्ड तोड़ 24,000 करोड़ रुपए का मुनाफा हुआ, कंपनी की बल्ले बल्ले हो रही है, पीछे वो सरदार जी नाच रहे हैं, आपको दिखाई नहीं दे रहा? नहीं, वो तो मैं जानता हूँ, वो चल रहे हैं जो सब कुछ चल रहा है वी शेप के हिसाब से, लेकिन ये जो स्थिति है, ये स्थिति आपको हैरान परेशान नहीं करती कि तेल कंपनियां तो कह रही है कि हम घाटे में पेट्रोल डीजल दे रहे हैं, प्रति लीटर हमें घाटा हो रहा है 10 रुपए से 25 रुपए, आप मुनाफे में जा रहे हैं और वो भी 24,000 करोड़ के मुनाफे में, वो शुद्ध मुनाफा। वो आपने जो ट्वीट दिखाया वो एक टीवी चैनल का था, यदि वो इंडियन ऑयल का या IOC का होता तो मैं खुद प्रमाणित मानता। अच्छा, तो आप इसे प्रमाणित नहीं मानते कि तेल कंपनियों को घाटा हो रहा है?
स्रोत नहीं लिखा, जब तक स्रोत नहीं लिखा। लेकिन ये जो आप ग्राफ दिखा रहे हैं ना, बहुत अच्छा ग्राफ है। इसलिए ग्राफ है, ये वी शेप रिकवरी भारत की इंडस्ट्री के दिखा रहा है। अच्छा, ये बहुत अच्छा ग्राफ है, मैं जानता हूँ, वो वाले नहीं दिखा।